हाँ सभी जन हाथ धोलिए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिभाग वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा दर्शित सुआख्या धम्म को त्रिभाग वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिभाग वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष संघदान धम्मदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ सामने श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं ये वर्षावास काल में विशेषतः परिणति धम्म ग्रुप द्वारा ऑनलाइन धम्म देशना कार्यक्रम चलते रहते हैं और इसी दौरान आज यहाँ रामनगर स्थित धम्म सागर बुद्ध विहार में भोजन दान और ये संगदान का कार्यक्रम आयोजन हुआ है और विशेषतः अस्त परिष्कार विवेक कार्यक्रम हो रहा है। तो अभी भी पूजने भिक्षु संघ का विशेष भोजन दान संपन्न हुआ है। अभी सर्वप्रथम हम रुद्र धम्म संघ के शरण में जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद रुद्र धम्म संघ के आशीर्वाद से भरा हुआ परिग्राम पाद श्रवण करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा धम्म देशना भी श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम से याचना करने के लिए सभी धन जैसा मैं कहता हूँ आप लोग बोलते थे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान भगवंत भगवता धम्म नमस्सामि सुरपतिपन्नो भगवतो सावक संघं नमामि लोकास वंदामि वन्दे स्वागतेन काकांक्षा अपराधं भवता नेवान्ते द्वितीयाम्बे तृतीयाम्बे भूतासाम्बन्ते ते शरणेन सह पंचशीलां धम्मं याचामि अंगं कृत्वा शीलं देता मे भान्ते तृतीयाम्बे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्बि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्बि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्बि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्बि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्बि धम्मं शरणं गच्छामि
तदियाम्बि संगं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णा पानातिपाता वेरमणि शिक्षापद समादियामि कामेषु समादियामि सुरामेलयोमजपमादत्तानावेरमणि शिक्षापदं समादयामि ते सर्वेण साधु 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 धम नमामि धम्मं नमामि संगं नमामि। सीधा लोग पास कर रहा हूँ वो एक बोल देते हैं आप सीधा चला स्वागत है। साधु अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परिधान पान होगा बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परिधान पान अभी करेंगे। इस परिधान के अनुभव से विशेषता आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसका प्रमुख श्रद्धावान उपास उपासिकाएं परिमित तमो ग्रुप के संपूर्ण उपास उपासिकाएं यहाँ उपस्थित संपूर्ण वैशाली सिद्धार्थ कुंडे परिवार संपूर्ण तमसागर बुद्ध विहार के उपास उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे, मंगलमय कृषि पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ताचक्रवालेष्वत्रागच्छन्तु देवता धम्मं श्रवणकालो अयं वदन्तः परिणामश्रवणकालो अयं वदन्तः नमो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति भगवन् सम्मा सम्बुद्धो
भक्तो भगवान स्वागतो भगवतो नमो सुभदेवानो भगवतो सावकसंघो गुरुपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो ज्ञानपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो ज्ञानद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 ान
संगो आने यो पाने यो सोते सो ओ समय सामे अंबिकम देवस्थ भगवन्त भगवंता भगवंत भगवान मंगल चिंत मंगलोत्तम पंडित सेवना मंगलोत्तम पति पदे सवासमुद्रम पुण्यता मंगलोत्तम बाबू संतो मंगलोत्तम मातम अन्नं पुण्यं सत्यं
मदपानसयमो आपनमतोदनमेसो येदामनमनमकामगामपोदनमपादोसं संतोतेसंकतान्योता कामेनदामस्रवना येदामनमोतमा कामेतसोमवसंसंदा सन्तदासं कामेनदामसाकवसं येदामनमोतमा तमोतमस्तवेदांसं हरिणसमन्दसमन मेधानसाधिकिरणाका येतन्मङ्गलमोतमा भूतासलोकसन्देहि चिन्तान्यसन्नमम्बदे हसोदानिरदं क्षेम एतामङ्गलमोत्तमम् एतानि सर्वकामपरमदिता सामन्तसोतेन गाजान्ते तदेतामङ्गलमोत्तमन्ते येन सोदितेऽवदुसंवदा येन सन्तोकसम्भवाय सम्भवति सन्तो येन सन्तो दयामङ्गलम् कर्मेण यन्तं सन्तं परं समे च सम्बोधं सुवसोऽसं समुदवानते माने भवन्ते सन्तं लौकिकौते सुखिनो वचिनो मचिमन्दसकम् अङ्कदुन्द देवतावान्देता एतदुरे वसन्त्यभिदोरे भूतान्वसम्भवेद्वां सन्ते सन्तं पदन्तु सुचिताता नमस्तिमन्येतकाचिनाङ्कन्ते व्यान्दुसन्पदिगसंज्ञा नाद्यमन्यसादुकामेशया मातमायुतमेयम्भूनम् आयुषामेकभूतमनुराग्ये हेन्वामेषामभूतेषु मनसाम्भावये अपरिमाण मेधान्तसामलोकस्मे मनसाम्भावये अपरिमाण
तेरे आसपादन तेरे ब्रह्मा में तम विहार हे दामो हे निजानो पदम से लवन दर्शन न संबंध सोते हैं सावधो का साधो ये दया दो का सांबादा सांबे देवा आरंभो दांतो गाचांदो देवनागता सापे बुदा पमपंता पजे गानं जयंबला आरंतमं जदे देवनागा पुण्यतानुमोदित्वा चिरन्तकान्तोदरशासनं आकाशदानुपातं देवानागमहेदिगा पुण्यतानुमोदित्वा चिरन्तकान्तोधर्मदेशनं देवानागमहेदिगा पर्यन्तानुमोदित्वा चिरन्तकान्तोद्वान् सदा ते साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अभी बुद्धा धम्मा संघ के अनंत गुण धम्मा और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ संपन्न हुआ। थोड़ी देर बाद हम पूजने भी कुसंग को यह परिष्कार दान और विविध दान भी देना है। उससे पहले हम थोड़ा सा अम्मा की बातें सुनेंगे। ठीक है, सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 असेवनाच बालम पंडितानं सेवनाम पूजनीयानं येतन्मङ्गलमूर्तम्
महाकारुणे तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध द्वारा देशे स्वाख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध के आदि श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपास उपासिकाएं तथा विशेष रूप से ऑनलाइन जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकाल ने तथागत बुद्ध कहते हैं, असेवनात बालानं पंडितानंद सेवना, जो बाल मूर्ख है ऐसे व्यक्तियों की संगत नहीं करना। मूर्ख व्यक्ति खुद भी पाप करेगा, अपनों को भी खींच खींच के पाप करवाएगा, खुद का भी हानि नुकसानी करते रहेगा और अपनों को भी हानि नुकसानी करता रहेगा। इसलिए मूर्खों की संगति कभी न करना। पंडितानंद सेवना, जो पंडित है जो शीलवान गुणवान है ऐसे व्यक्ति की संगत करना चाहिए, जो हमेशा खुद का भी कल्याण करेगा अपनों का भी कल्याण करेगा। पूजात पूजने यानं, जो पूजने व्यक्ति है ऐसे व्यक्तियों की पूजा करना चाहिए, जो सम्माननीय व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति की सम्मान करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, एकं मंगलम उत्तमं, यह उत्तम मंगल है। जीवन में हमें मंगल करना है, जीवन में हमें पुण्य करना है, तो बुद्ध इस तरह का उपदेश देते हैं। दानं च धम्मचर्या च ये तं मंगलम उत्तमं। बुद्ध कहते हैं, दान देना धम्म के आचरण करना ये उत्तम मंगल है। तो हमें समय समय पर अपनी क्षमता को देखते हुए, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए दान देते रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, दान ददंतु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि दान हम महीने में एक बार देंगे, साल में एक बार देंगे या कभी कभी देंगे। बुद्ध इसे दान पात्रता नहीं कहते, इस तरह दान पात्रता पूर्ण होता भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, निरंतर दान का अभ्यास करना चाहिए। जिस तरह हमारे शरीर के लिए आहार की जरूरत है, हम हर दिन खाते हैं और वो भी एक बार नहीं, दो बार तीन बार जितनी जरूरत है उतना खाते हैं। तो हम खाना दो तीन बार खाते हैं और दिन में एक बार भी दान नहीं देंगे, महीने में एक बार, साल में एक बार, हमें महीने में एक ही बार खाना खाओ बोले तो चलेगा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, निरंतर दान का अभ्यास होना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से। अगर कुछ न रहा तो जो खाना मिलता है उसमें एक दीवाला ने दान दिया ना, वो सारे छोटे छोटे कीट पतंगों का महाभोजन हो जाता। इसलिए दान निरंतर देना चाहिए। दान ऐसा नहीं कि हम पैसा ही दान दे। बुद्ध तीन प्रकार के दान के विषय में उपदेश देते हैं, आमिष दान, अवयव दान और ये प्रतिपत्ति दान। कि हम आमिष दान भी दे सकते हैं, अनेक तरह से, पैसा हो, वस्तु हो, फल फूल हो, अस्त्र परिष्कार हो, अनेक तरह से सामान भी दान दे सकते हैं, इसे आमिष दान कहते हैं। अपनी तरफ से किसी को कुछ भी दुख कष्ट ना हो, कुछ भी भय ना हो, उस तरह से मैत्री करुणा रखना, अभय दान देना, ये भी दान हो गया। और बुद्ध कहते हैं, धम्म दान भी दे सकते हैं। अगर आप धम्म की बातें जानते हो, समझते हो, तो दूसरों को वो धम्म की बातें बता सकते हैं। एक-एक धम्म उपदेश उनके पूरा जीवन सुख शांतमय हो सकता है, इसलिए धम्म दान भी दे सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दानों को धम्म दान देता है। इसलिए हम आमिष दान भी दे सकते हैं, अभय दान भी दे सकते हैं, धम्म दान भी दे सकते हैं। हाँ, तो जो जैसा कैपेसिटी है उस तरह से दान देता रहना चाहिए।
तथागत बुद्ध कहते हैं जो हम दान देते हैं वो तो पुण्य हो गया हो गया, पर ऐसा दान भी रहता है जिसे महाकुशल होता है, महादान होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में बिहार दान देना यह महाकुशल है, बिहार के लिए जमीन दान देना यह महाकुशल है, बुद्ध मूर्ति दान देना यह महाकुशल है, सार्वजनिक शौचालय बना के दान देना यह भी महादान में आता है, संग दान देना यह भी महादान है, अस्थि परिष्कार दान देना यह भी महादान है, धम्म दान देना यह भी महादान है, कठिन चीवर दान देना यह भी महादान है। इस तरह अष्ट महाकुशल, हाँ, 8 प्रकार के महाकुशल दान तथागत बुद्ध बताते हैं। उसमें से संग दान भी महादान है, ये 8 प्रकार के एक भिक्षु के लिए जो जरूरी चीजें रहता है जीवन से लेके पात्र से लेके, वो अस्त परिष्कार दान देना भी महाकुशल है। बुद्ध के माँ के बाद माँ बन के जिसने सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण किया, महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध पहली बार बुद्ध बन के अपने राज्य में जाते हैं तो महाप्रजापति गौतमी अपने पुत्र को देख के, सारे लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ दे रहे, मैं अपने पुत्र को क्या दूं, दरबार का कोई भी चीज उठा के महंगे से महंगे चीज दे सकते हैं पर उससे क्या, ये तो कोई भी दे सकता है, मेरे पुत्र को मैं क्या दूं। एक अपने ही निगरानी में अपने ही उपस्थिति में वो धागा बुनने से लेके कपड़ा बना के चीवर बना के वो चीवर विशेष रूप से तैयार करके बुद्ध को दान देने जा रहे हैं। उस समय बुद्ध कहते हैं हे महाप्रजापति ये संघ को दान दो, संघ को दान दिया तो हम भी बुद्ध भी पूजित होंगे। महाप्रजापति महारानी कहती है भगवान ये आपके लिए ही बनाया है, आप इसे ग्रहण कीजिए, संघ के लिए दूसरे कपड़े हैं। तथागत बुद्ध 3 बार कहते हैं ये संघ को दान दो, संघ को दान दिया तो महादान होगा, बुद्ध भी उसमें पूजित होंगे, फिर बुद्ध के प्रति आदर गौरव रख के संघ को दान देते हैं। बुद्ध कहते हैं संगे देना महाफलम, संघ को दान देना महान फलदायी देता है। बुद्ध एक ऐसा भी उदाहरण देते हैं, भविष्य में ऐसा समय भी आएगा जब एक ऐसा वस्त्र का धागा अपने कान पे लपेट के या गले में बांध के अपने आप को भिक्षु कहेगा, उसका परिवार रहेगा, बच्चा रहेगा, सब रहेगा, पर पूजा के समय में वो तो गले में बांध के अपने आप को भिक्षु कह के पूजा करने के लिए आएगा। उस समय में भी संघ को उद्देश्य करके संघ दान दिया तो वो संघ दान भी महान फलदायी होगा, संघ दान के सामने कभी व्यक्तिगत दान की प्रशंसा नहीं करते तथागत होता। इसे संघ दान बहुत बड़ा पुण्य है। बुद्ध धर्म में 7 प्रकार का संघ दान का उल्लेख किया है, 7 प्रकार का, वो क्या क्या है, पहला बुद्ध प्रमुख सारे भिक्षु संघ सारे भिक्षुणी संघ, दूसरा सारे भिक्षु संघ सारे भिक्षुणी संघ, बुद्ध नहीं है तो क्या करे है ना, सारे भिक्षु संघ सारे भिक्षुणी संघ, तीसरा केवल सारे भिक्षु संघ को दान देना, चौथा सारे भिक्षुणी संघ को दान देना, पांचवा केवल हमें 10 भिक्षु चाहिए 10 भिक्षुणी चाहिए करके गिन के भिक्षु भिक्षुणी संघ को दान देना, छठा केवल हमें 10 भिक्षु चाहिए करके भिक्षु संघ को ही संघ दान देना, और सातवां केवल हमें 5 भिक्षुणी चाहिए या 10 भिक्षुणी चाहिए करके भिक्षुणी संघ को ही दान देना। इस तरह से 7 प्रकार के संघ दान है। अभी बुद्ध तो है नहीं तो हम जितने भी भिक्षु भिक्षुणी संघ मिलते हैं उन लोगों को दान दे सकते हैं, या भिक्षु संघ को ही दान दे सकते हैं या भिक्षुणी संघ को ही दान दे सकते हैं, पर संघ दान देना महान फलदायी है तथागत बुद्ध कहते हैं। तो आज भी ये संविधान महान फलदायी ये धम्म कार्य हो रहा है, तो याद रखना उपासक उपासिकाएं, हमें खूब मेहनत करके अच्छे काम करके पैसे कमाना है ताकि इस तरह के संविधान हम बार बार दे सके, नहीं मेरे पास जितने उतने में मैं खुश होकर के ऐसे ही बैठा रहा तो दान भी नहीं दे पाएंगे है ना, अभी 10-10 रुपए दान देंगे कब संघदान दे पाएंगे, पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे थोड़ा सा संग्रह करेंगे तो
महान और दायी संगदान भी दे पाएंगे। तो जीवन में संगदान देना है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, मनुष्य तो के बाकी कोई भी प्राणी पुण्य नहीं कर सकता, पाप से दूर नहीं हो सकता। हम इंसान ही पाप से दूर भी रह सकता है, पुण्य में आगे भी बढ़ सकता है, इतना दुर्लभ, इतना अमूल्य, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। इसलिए याद रखना, खूब पुण्य करना है, खूब कर्म करना है, चाहे वो दान देना हो, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, शील पालन करना हो, हमेशा शील पालन करना है, ध्यान भावना करना हो, ध्यान भावना करते करते जाना है, जितना पुण्य है वो पुण्य करते जाना है, शरीर से वाणी से मन से पाप नहीं करना है, ऐसे पाप से दूर रहना है। ऐसा करेंगे तो ही ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन सफल बन सकता है, सार्थक बन सकता है। इसलिए आज हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा कर्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य कर्म करते करते ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। अभी यह अष्ट प्रश्न का दान देंगे, आइए एक बार अष्ट प्रश्न का दान देने के लिए। किस में आइए ग्राम वो दोनों से यस क्या हाँ, सब लोग भी हाथ धरिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलिए। हाँ, इमां शिवराम शांता परिकारां भिक्खु संघर्षा हेमां पूजयामि द्वितीयमपि तृतीयमपि इमां शिवराम शांता परिकारां भिक्खु संघर्षा हेमां पूजयामि चिदम्बे पुण्यम आसवकया वहम भूतो इदम्बे पुण्यम निपानसा पतयो भूतो इदम्बे पुण्यम सफे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधो साधो साधो। बुद्धं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। अभी ये जीवन के साथ साथ पूरा अष्ट परिष्कार भी इसमें है, और विशेष पाली मेरे अनुसार जो अष्ट परिष्कार है पात्र, इसके अंदर काल बंधन, ये पूरा परिष्कार है। हाँ, अष्ट परिष्कार उस तरह से दान देना है। तो अभी पूजनीय प्रसंग को दान देंगे, तो दान लेंगे। पहले सारे को करके बैठो, थोड़ा आगे लाओ। दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवन्ता वज्जिकानं च यं बलं हरन्तानं च तेजेन रक्षन् वन्दामि सर्वशु। साधु साधु।
साधु। पर्यंते तमो ग्रुप को मंगल मैत्री कामना ईश्वर तवान उपास उपासिकाएं भले यहाँ ना आ सके फिर भी आप ये ऑनलाइन दान दे रहे हैं हम। साधु 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 ये पंडित जी को विशेष ये दान साधु साधु साधु। हाँ साधु 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 सब लोग साधु कर दीजिए। ये साधु कर भी दिया ना ये पुण्य में सहभागी हो जाते हैं। हाँ जय हाँ सभी लोग साथ में रहिए और पूजने के कुछ समय द्वारा आशीर्वाद देंगे फिर से जान देने वही वही सिक्के हो मंगल कल्याण हो। आप जाइए अपनी जगह पर बैठिए सब लोग हाथ धोइए। आज यहाँ 3 बजे विशेष धर्मदेशना भी है ना। तो सब लोग हाथ धोइए। आज विशेषता रामनगर स्थित धर्मसागर पुत्र विहार में विशेष संघदान दान परिक्रमा धर्मदेशना कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्मा और आशीर्वाद के अनुभव से विशेषता पर्यटित धम्मा ग्रुप सारे सभासद मेंबर को बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्मा करते करते आगे बढ़ सके ये कामना करते हैं। यहाँ उपस्थित वैशाली सिद्धार्थ परिवार जिन्होंने इतना बढ़िया ये स्पीकर दान दिया तो ये पूरे परिवार को भी जीवन में खूब सुख शांति मंगल मैत्री हो। हाँ उद्योग धंधा में भी उन्नति प्रगति हो। जल्दी से जल्दी अच्छा खासा बिहार बना सके ये आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ तमसागर बुद्ध विहार में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं ऑनलाइन देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे तम का आशीर्वाद रहे संघ का आशीर्वाद रहे ऐसी कामना करते हुए पूजने भी कुशान बुद्ध वाणी पालिका का द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के 3 बार जोर से आवाज निकाल के 3 बार साधु साधु बोलिए। सभी सखे दे सदा सोते बाबा तो दे बाबा तो सा मंगल राखन तो सा रे वाला सदा सोते बाबा तो दे बाबा तो सा गंगा सदा सोते बाबा दो दे जगो सा चंदो पान सोय का
संपादे साधु 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 नमामि नमामि संगं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सा सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुखी हो। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुकार भंती जी आपको। बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम किया आपने, और पर्यति धम्म ग्रुप से साधु आज जो भिक्षु संघ को भोजन साधु दान हुआ है, आपका आपको सभी ग्रुप की उपासकों की ओर से बहुत बहुत साधुकार करते हैं, अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु। हाँ।